here. So what we were doing separating techniques, and we have finished the separating technique. One was centrifugation, other was that evaporation, and then sublimation. Now the next technique is separate out to immiscible liquid. Next separating technique is to separate out to immiscible. Now, what does the word immiscible mean first? बेटे immiscible का मतलब होता है जो आपस में घुले ना. The immiscible is those which doesn't dissolve in each other. These are known as immiscible liquids, like your oil and water. To how to separate out this oil and water? Okay, and what is the principle behind the separation of the oil and water? Let us see. So I am having, bete, here a separating funnel. See, you can see the separating funnel here. Okay. Okay. So it must be visible to everyone. This is separating funnel. It is in front of the camera. And what are, like, I must keep like this. Okay. So this is separating funnel waiting. Okay. This is the stopcock of separating funnel. And I have already poured water into it. See that? Okay, already you can see there is a water in a separating funnel. Now what I am doing, I am pouring, just see, oil into it. Now I am shaking well. Well, कि ये डिजोल्व हो जाए इसमें. ठीक है, ये नहीं कि मैंने घोला नहीं है. देखो मैंने अच्छे से शेक किया, ये ना लगे आपको कि आपने घोला नहीं है इसलिए ये हो गया. अब आई हैव रिटन ऑन द बोर्ड इज टू सेपरेट आउट टू इमिसिबल. इमिसिबल का मतलब है ये जो दो लिक्विड हैं ये आपस में डिजोल्व नहीं कर रही. तो ये आप नीचे देख सकते हो वॉटर की लेयर है बेटे, और ऊपर ऑयल की लेयर आ रही है, क्योंकि ये आपस में डिजोल्व नहीं कर रहे हैं. दे आर इनमिसिबल. जैसे अगर मैं वाटर में इथेनॉल डालूं तो उसके लिए हम टेक्निक दूसरे यूज करेंगे. दे आर मिसिबल. ठीक, बट जब मैं ऑयल और वाटर में डालूं, कभी आपने पुरानी कोल्ड क्रीम भी देखी होगी, दैट इज आई हैव गिवन द एग्जांपल, कि आपको ऐसी ऑयल की लेयर ऊपर नजर आती है क्योंकि वो इमल्शन है. तो हमें इमल्सिफाइंग एजेंट डाल के उसको स्टेबल तो कर दिया, मगर ऑयल और वाटर एक दूसरे में डिजोल्व नहीं कर रहे हैं. देखो दे आर नॉट डिजोल्विंग. सी द लेयर. ओके, इट मस्ट बी विजिबल नाउ कंप्लीटली द लेयर. एंड नीचे किसकी है? वाटर की. ओके, इफ आई विल ओपन दिस टॉप को, अगर मैं इसको खोलूंगी तो व्हाट विल हैपन? दिस वाटर इज बीइंग कलेक्टेड इन दिस. सी, ठीक है. और जब वाटर पूरा का पूरा आ जाएगा तो आई कैन क्लोज दिस टॉप कॉक, और ऊपर क्या रह जाएगा मेरे पास? सिर्फ ऑयल. यू कैन सी द ऑयल. ओके,
Got the point? So what is the separating funnel used for? It is used for to separate out to immiscible liquid. कि घर पे अगर करने कटोरी में डाल के करने की कोशिश करोगे तो क्या होगा, तो आप अलग करना हमारे लिए मुश्किल होगा. तो नीचे अगर आपका कुछ ऐसा आप ले लो जिसके नीचे टैप लगी हो तो उसको आप खोल के कर सको, ठीक है, तो इट विल बी मोर इजियर. ओके, अगर नीचे टैप लगी हो. अब इस प्रिंसिपल का, इस टेक्निक का क्या प्रिंसिपल है, लेट अस सी द प्रिंसिपल ऑफ दिस टेक्निक. ये डिफरेंट लेयर्स क्यों बनी, व्हाई देयर आर डिफरेंट लेयर्स, देयर आर डिफरेंट लेयर्स बिकॉज देयर इज डिफरेंस इन द डेंसिटी. सो इफ एनीवन आस्क यू व्हाट इज द प्रिंसिपल, व्हाट इज द प्रिंसिपल बिहाइंड दिस टेक्निक, द प्रिंसिपल बिहाइंड दिस टेक्निक इज दैट द इमिसिबल लिक्विड सेपरेट आउट इन लेयर्स. व्हाई? depending upon their densities. The liquid which is more denser नीचे आ जाएगा और जो liquid ज्यादा denser होगा वो ऊपर float करेगा, ठीक. तो हम oil और water को separate out करने में help कर सकते हैं, ठीक है. इन द मेटलर्जी एक्सट्रैक्शन ऑफ आयरन द स्लैग इज रिमूव्ड. अब ये स्लैग क्या होती है, देखो जब आयरन की एक्सट्रैक्शन करी जाती है ना बेटे, तो आयरन में सर्टेन इम्प्योरिटीज होती हैं, ठीक है, उन इम्प्योरिटीज को गैंग कहते हैं. अब वो इम्प्योरिटीज ओर के अंदर होती है, द इम्प्योरिटीज आर नोन एज गैंग. Now, detail is not in your syllabus, yet the point is written in the application. It is used to separate out the slag. Okay? So certain impurities are there which are known as gangue. These are the impurities. जब आप किसी भी मेटल की एक्सट्रैक्शन करोगे तो क्या होता है, अब अर्थ क्रस्ट में हम गए, ठीक है, अर्थ क्रस्ट में हमें आयरन ऑक्साइड मिली. अब हमें तो आयरन चाहिए, We want iron alone. हमें iron oxide नहीं चाहिए, हमने iron से oxygen को दूर करना है. अब ये तो नहीं है कि iron oxide ऐसे ही मिली है, iron oxide के आसपास बहुत ज्यादा impurities भी होंगी. हम जब खोदेंगे we will dig out of the earth our ore, जिससे हम जैसे iron oxide को बाहर निकालना मांगे, ठीक है, तो we'll dig out the earth. तो उसमें अकेली iron oxide नहीं मिलेगी हमें, we will get impurities also over there, ठीक है, to remove these impurities are known as gangue. The impurities which are present in an ore, जिसे ore कहते हैं उसको, जैसे iron oxide जिसमें से हम iron निकालेंगे, that is known as ore, ठीक है. अब हमने खोदा, वो ore निकाल ली, उसके साथ impurities थी. अब impurities थी वो डिजोल्व फॉर्म में पड़ी थी, उनको अलग कैसे करें, तो हम कुछ मान लो आप कुछ एजेंट ऐड करते हो, ठीक है, एजेंट ऐड करते हो, देन इन द हायर स्टैंडर्ड यू विल नो व्हाट दिस एजेंट इज नॉट, ठीक, इसमें कुछ ऐसा सब्सटेंस ऐड करते हो यू कैन राइट इट एज सब्सटेंस होल्ड. ये दोनों कंबाइन होके ये स्लैग बना लेते हैं. अब गैंग हमें नजर नहीं आती है, मगर जो स्लैग बन जाती है, जो इम्प्योरिटीज के साथ मिक्स हो जाती है, दैट स्लैग वो लाइटर है, ठीक है. अब जो स्लैग है वो लाइटर है, क्योंकि ये सारी एक्सट्रैक्शन एक भट्टी में हो रही है, एक फर्नेस में हो रही है, जहां पे आप बहुत ज्यादा हीटिंग कर रहे हो. हीटिंग कर रहे हो तो आयरन की ऑक्साइड से आयरन अलग होगी और आयरन मोल्टन होगी तब, क्योंकि आप जहां से आयरन से अगर आपने ऑक्सीजन अलग करनी है बेटे जी, तब आपको बहुत ज्यादा हीटिंग, उसकी रिडक्शन बहुत कुछ करना पड़ेगा. अब ये जो मोल्टन आयरन है, ये एक फर्नेस है, ये मोल्टन आयरन नीचे की तरफ
आ जाती है, ठीक है, नीचे लेयर बना देती है और ऊपर उसके फ्लोट करती है बेटे स्लैग। स्लैग क्या होती है? इम्प्योरिटीज के साथ, जिसे गैंग कहते हैं, उसके साथ हम ऐसा सब्सटेंस ऐड करते हैं कि आपको एक नया कंपाउंड मिले। जैसे कैल्शियम सिलिकेट मिलता है इस केस में, हम हायर स्टैंडर्ड में करेंगे। बट अब आप ये समझो कि स्लैग होता क्या है, गंदगी के साथ हम कुछ ऐसा केमिकल ऐड कर देते हैं कि वो लिक्विड की फॉर्म में आ जाए, ठीक है। जो लिक्विड की फॉर्म में आ जाता है तो वो ऊपर फ्लोट कर जाता है, तो क्योंकि स्लैग आयरन में डिजोल्व नहीं करता, अदरवाइज जो इम्प्योरिटी थी वो आयरन के साथ मिक्स होके पड़ी थी। अब ये जो इम्प्योरिटी बन गई, ये स्लैग बन गया, ये आयरन के साथ मिक्स नहीं हुआ, ये आयरन से अलग हो जाएगा। तो एक लेयर मोल्टन आयरन की बन जाएगी, एक लेयर स्लैग की बन जाएगी। गॉट द पॉइंट? एनी डाउट रिगार्डिंग द टेक्निक ऑफ द सेपरेटिंग फनल? सेपरेटिंग फनल और सेपरेटिंग टेक्निक इज यूज्ड इन दैट केस इन विच देयर आर टू इमिसिबल लिक्विड, लिक्विड विच कांट डिजोल्व इन ईच अदर, लाइक if you have ethanol and water, they are dissolving. All the liquids are not dissolving, bete. Like kerosene, we have seen that I have taken oil, I have taken water, you have seen that it is not dissolving. Okay? So to make impurities into a liquid form, which will not dissolve in the iron, we are getting a slag, which is floating over the iron in the furnace. Bhatti hoti hai. Theek, jahan pe hume आयरन मिलती है। सो दिस इज ऑल अबाउट सेपरेटिंग टेक्निक। नेक्स्ट इज बेटे क्रोमेटोग्राफी। नेक्स्ट इज क्रोमेटोग्राफी। सी, अब इसको ध्यान से समझना बेटे, आपकी क्रोमेटोग्राफी है टू डाई की जो डिफरेंट कॉम्पोनेंट्स हैं, डाई एक कॉम्पोनेंट की नहीं बनी हुई, डाई डिफरेंट कॉम्पोनेंट्स की बनी हुई है, ठीक है, डिफरेंट कलर्स की। जब मम्मा कभी कभी दुपट्टा कलर करवाने जाते हैं तो उसमें कभी कभी एक कलर अवेलेबल नहीं होता, तो दो तीन कलर मिक्स करके द जो द हु इज डाइंग द क्लोथ मिक्स दैट कलर्स एंड यू विल गेट वन कलर फ्रॉम दैट, दैट इज अ डाई। बट डाई इज अ मिक्सचर ऑफ डिफरेंट कलर्स, ठीक है। व्हाट वी हैव डन इन द वेपोरेशन टेक्निक, वी हैव सेपरेट आउट नॉन वोलाटाइल कॉम्पोनेंट द वोलाटाइल वन। हमने क्या किया था तब, कि हमने वोलाटाइल कंपोनेंट को सेपरेट आउट किया था, रह क्या गया था, नॉन वोलाटाइल। अब इस नॉन वोलाटाइल कंपोनेंट जो डाई रह गई है, उसमें भी डिफरेंट डिफरेंट कंपोनेंट्स है जिनको हम सेपरेट आउट करेंगे, और इन टेक्निक को कहा जाता है पेपर क्रोमेटोग्राफी। ओके, अब क्रोमेटोग्राफी बेटे, इट इज नॉट वन टाइप ऑफ क्रोमेटोग्राफी। ईयर बुक the chromatography which is given to you, it is only the paper one, the paper chromatography you are doing. Isme hum paper lete hain, otherwise there is column chromatography, thin layer chromatography, so you will take a paper, okay, filter paper. aapne hamesha circle mein dekhe hain filter paper, aise nahi, badi badi sheets bhi aati hain filter paper ki market mein available, okay. तो फिल्टर पेपर का एक रेक्टेंगुलर पोर्शन आपने ले लिया, ठीक। देन आप स्केल से अप्रोक्सीमेटली 2 सेंटीमीटर की लाइन लगाते हो फिल्टर पेपर, ओके, और यहां पे आप इंक लगा देते हो, ठीक है। अब इसको एक ग्लास जार में रख देते हो जिसमें ये वाटर सॉल्युबल है, जिसमें ये इंक सॉल्युबल है। किसमें सॉल्युबल है ये इंक बेटे? वाटर में सॉल्युबल है,
अब हमने ग्लास जार में ऐसे रखना है कि ये जो लाइन है इसके नीचे नीचे वाटर है। देखो कभी भी आपने पेपर पे भी अगर आपके इंक गिर जाए, अगर आप पूरा का पूरा पेपर डिप कर दोगे तो वो इंक फैल जाएगी, वहां ही फैल जाएगी। हमने वाटर ऐसे डालना है कि जो वाटर है इस इंक केस लाइन के नीचे नीचे रहे, इससे ऊपर नहीं आना चाहिए। अब क्या होगा थोड़ी देर के बाद, व्हाट यू विल ऑब्जर्व कि ये जो आपने पेपर स्ट्रिप ऑफ पेपर डाला है इससे आपको डिफरेंट डिफरेंट कॉम्पोनेंट्स ऑफ जो डाई है वो अलग हो जाएंगे। कुछ कंपोनेंट नीचे रह जाएंगे और कुछ कंपोनेंट ऊपर आ जाएंगे, ठीक है। व्हाट इज, अब ये हुआ क्यों, अब देख के ध्यान से। अब डाई जो है बेटे डिफरेंट कलर कंपोनेंट्स की बनी हुई थी। अब क्या हुआ, पेपर रन किया, पेपर पे वाटर रन किया, दिस वाटर विल रन। हम वाट अगर घर पे भी आप देखो, आप पेपर लो, वहां पे अपनी इंक एक ड्रॉप इंक डालना और यू विल सी दैट वाटर विल राइज अप एंड यू विल गेट डिफरेंट डिफरेंट स्पॉट्स। अब कुछ स्पॉट ऊपर आई और कुछ नीचे आई, ऐसा क्यों? अब मैं आपको एग्जांपल देती हूँ। देर आर सो मैनी स्टूडेंट्स इन द क्लास, सो मैनी स्टूडेंट्स है तो सारी स्टूडेंट्स एक वन क्लास, आपकी वन क्लास 48 स्टूडेंट्स की है, वैसी एक डाई बहुत सारे कंपोनेंट्स की है। अब ये जो 48 स्टूडेंट है उनकी अपने टीचर के साथ सेम अफिनिटी नहीं है, ठीक। अफिनिटी का मतलब होता है उनके साथ बॉन्डिंग। कुछ टीचर को जल्दी समझ लेते हैं, जिनकी अफिनिटी ज्यादा होती है वो जैसे जैसे टीचर पढ़ाता जाता है वैसे 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 साथ साथ चलते रहते हैं, तो वो कहाँ पहुंच जाते हैं, हायर लेवल पे। और जिनकी अफिनिटी टीचर के साथ कम होती है वो कहाँ रह जाते हैं, लोअर लेवल पे। टीचर सबको ही वैसा पढ़ा रही है, टीचर इज टीचिंग इन द सेम वे टू एवरी वन इन द क्लास। यू हैव अ क्लास, सेम वे यू हैव अ डाई, द क्लास डाई इज मेड अप ऑफ डिफरेंट कॉम्पोनेंट्स, सेम इज योर क्लास इज मेड अप ऑफ डिफरेंट स्टूडेंट्स। द स्टूडेंट्स विच आर हैविंग अफिनिटी विद द टीचर, ठीक, एज द टीचर सेज दे एक्ट लाइक दैट एंड गो विद द टीचर। जिस स्पीड से टीचर जा रही है उसी स्पीड से वो चल रहे हैं, तो वेयर दे विल बी एट द हायर लेवल। एंड द स्टूडेंट हु आर नॉट मूविंग विद द टीचर वेयर विल बी दे विल बी एट द लोअर लेवल। इन द सेम वे द डाई हैज अ डिफरेंट कॉम्पोनेंट ऑफ कलर, ओके, द कलर द कॉम्पोनेंट विच इज मोर सॉलेबल। अब ये क्या है, वॉटर इज योर टीचर, ये आप सारे स्टूडेंट हो। अब वॉटर की तो फितरत है वो राइज करेगा, और जैसे जैसे राइज करेगा इन स्टूडेंट से जो कॉम्पोनेंट की अफिनिटी, जो कॉम्पोनेंट ज्यादा सॉलेबल है वॉटर में, वो क्या हो जाएगा, ऊपर चला जाएगा। और जो कंपोनेंट वाटर में कम सॉलेबल है वो कहाँ रह जाएगा बेटे, नीचे। तो दिस इज मियरली एन एक्ट ऑफ अफिनिटी एंड रिगार्डिंग दिस बेसिक एक्सपेरिमेंट विल से दिस इज द मियरली द कंसेप्ट ऑफ द सॉलेबिलिटी इन वाटर, द कंपोनेंट विच इज मोर सॉलेबल इन वाटर विल राइज अप, द कॉम्पोनेंट विच इज लेस सॉलेबल इन वॉटर विल रिमेन बिलो। सो गॉट द पॉइंट, एनी डाउट टू एनी वन? यस बेटे, एनी डाउट? एनी डाउट? Now for what purpose this technique and what kind of the substance it is used? अब ये सारे क्या थे जो वाटर में डिजोल्व हो रहे हैं, सारे सॉल्यूट थे, सारे ही सॉल्यूट थे जो वाटर में
और आपने जो सॉल्वेंट लिया है दैट इज अ वॉटर, द सॉल्वेंट यू हैव टेकन इज वॉटर, और ये जो कॉम्पोनेंट थे सारे सॉल्यूट्स थे, अब सारे के सारे सॉल्यूट वाटर में डिजॉल्व हो रहे हैं, ये नहीं कि एक बच्चा सुन रहा, सारे के सारे ही सुन रहे हैं, मगर किसी की सॉल्युबिलिटी ज्यादा है किसी की कम है। तो किसी सॉल्यूट की सॉल्युबिलिटी जिसकी सॉल्वेंट में ज्यादा है वो जैसे जैसे सॉल्वेंट गया वो भी ऊपर गया, और जिसकी सॉल्युबिलिटी बेटे कम है वो क्या रह गया नीचे। तो ये किस तरह के सॉल्यूट को सेपरेट आउट करने के लिए यूज होता है बच्चे जी? ये उस तरह के सॉल्यूट को सेपरेट आउट करने के लिए यूज होता है जिनकी सॉल्युबिलिटी वाटर में या एक ही सॉल्वेंट में होती है, ठीक है, विच हैज सॉल्युबिलिटी इन वन सॉल्वेंट, बट द सॉल्युबिलिटी इज नॉट द सिमिलर वन, वन सॉल्वेंट इज मोर सॉल्युबल, सॉल्यूट इज मोर सॉल्युबल एंड अदर सॉल्यूट इज लेस सॉल्युबल, ओके। वन ऑफ द सॉल्यूट विल बी मोर सॉल्युबल एंड अदर सॉल्यूट विल बी लेस सॉल्युबल, सो इट इज द एक्ट ऑफ मियरली अफिनिटी विद द सॉल्वेंट। यस बेटे, मैम एक बार फिर से रिपीट कर दो, ये किस चीज को सेपरेट करने में मदद करता है? क्या बेटे? मैम ये किसको सेपरेट करने में मदद करता है बेटे? अगर डाइस के डिफरेंट कंपोनेंट है उनको, चाहे वो पिगमेंट्स हैं, यू हैव सो मेनी पिगमेंट्स, पिगमेंट के एक कोई पिगमेंट है वो डिफरेंट कलर्स का बना होता है, एक ही कलर का नहीं बना होता, तो उनकी कलर कंपोनेंट उनके, या आपकी मान लो कि आपकी बॉडी में ड्रग्स हो, ड्रग्स ये नहीं होती कि वो जो खाते हैं हम, ड्रग्स मेडिसिन होती हैं, ठीक है, अगर उन मेडिसिन को हमने अलग करना हो हमारे ब्लड में से उनको, ठीक है, यू कैन यूज सो मैनी, तो यू कैन यूज पिगमेंट्स फ्रॉम नेचुरल कलर। ठीक है, नेचुरल कलर लिया, उसमें जो डिफरेंट पिगमेंट क्या होते हैं जो किसी को कलर देते हैं, जैसे आपकी बॉडी में पिगमेंट कौन सा है? हीमोग्लोबिन, किसमें है? आरबीसी में। आपके ब्लड को कौन सा कलर दे रहा है? वो रेड है ना। तो अब जो नेचुरल कलर हमें मिलते हैं किसी भी फ्लावर में कोई कलर है वो डिफरेंट पिगमेंट्स के बने हुए हैं। मान लो मैं 2000 फ्लावर का एक्सट्रैक्ट इकट्ठा करके आपको दे दूं, तो उसके जो डिफरेंट कलर कॉम्पोनेंट्स हैं यू हैव टू सेपरेट आउट। व्हाट द पॉइंट? विल बी कॉन्टिन्यू टूमोरो बेटे विद द सेम टॉपिक।